ये व्यवस्था तीन चीजों से कार्यकर्ताओं को मारती है। एक तो इनको जेलों में बंद करती है, या उनका दाबोलकर पानसरे कलबुर्गी फादर सैन स्वामी करती है, या खुद के अंदर समा लेती है। लेकिन इस बीजेपी सरकार को हमें बताना है कि हम इन सारी चीजों को तोड़ने वाले लोग हैं। आप हमारा आवाज दबाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये आवाज डॉक्टर बाबा साहब ने हमें दिया, ये आवाज दबने वाला नहीं है। ये महात्मा फुले शिवाजी महाराज ने, अशफाकुल्ला खान ने हमें दिया, तो ये आवाज दबने वाला नहीं है। और कुछ भी हो, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है। सिर्फ काम नहीं, तो हम हमारे जीने का जो कर्तव्य है वो उसे समझते हैं और उसे हम करते ही रहेंगे। जब तक ये व्यवस्था भीमा कोरेगांव के जो सब एक्यूज है उनको रिलीज नहीं करती, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को रिलीज नहीं करती, तब तक इसी प्रकार के आंदोलन चलते रहेंगे। यहाँ की व्यवस्था सुन लो कि तुम हमें जेल दिखाओगे तो हम आपको संविधान दिखाएंगे जो हमें लड़ने का अधिकार दिखा देता है। आप हमें गोलियां दिखाओगे तो हम आपको लोकशाही दिखाएंगे जो हमें लड़ने का और सीखने का पढ़ने का अधिकार देती है। आज जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर सोशल जस्टिस के माध्यम से और भीमा कोरेगांव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान के माध्यम से यहाँ पे यह आंदोलन ऑर्गेनाइज किया गया है। हम सब जानते हैं कि फादर स्टैन स्वामी जी की हत्या हुई है, उसी के साथ ये भीमा कोरेगांव का केस किस तरीके से फैब्रिकेटेड है ये भी हम सब जानते हैं। फरवरी में आर्सेनल, इनका रिपोर्ट आया था कि रोना विल्सन इनके लैपटॉप में कुछ फर्जी चीजें, माओवादियों के मेल बिल सब भेजे गए थे और ये सब फैब्रिकेटेड चीजें उन्होंने डाली है हैकिंग करके। उसी तरीका का रिपोर्ट एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग जी का भी आया है। मैं विनंती करूंगी कि अदिति से, जो एडवोकेट अदिति है, कि आप इन सब चीजों के बारे में हमें बताइए। देखिए, हमें न्याय चाहिए और न्याय के लिए बहुत जरूरी है कि जितना भी हमारे जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको जेल में डाला गया है, उनके खिलाफ जितने सबूत हैं उसकी हमें सच्चाई की एक एक करके परख करनी है। उसी में से एक सबूत था जिसमें बताया गया था कि कोई चिट्ठी है जो कुछ लोगों के कंप्यूटर से मिली है, और अभी एक रिपोर्ट आई है आर्सेनल कंसल्टिंग की जिसमें ये साफ साफ बताया गया है और बहुत ही टेक्निकल तरीके से बताया गया है कि कैसे दो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के जो कंप्यूटर हैं उनको हैक किया गया था और उन कंप्यूटर्स के अंदर ये चिट्ठियों को बाहर से डाला गया था। ये ना उस पर लिखी गई थी, ना ये उसमें खुद उन लोगों ने डाली गई थी। ये जो चिट्ठियां हैं ये बाहर से आई थी, और ये जो एक चिट्ठी है इसकी सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इस केस का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो जैसा कि हमें बताया कि पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, अभी जो दूसरी रिपोर्ट आई है, तो इससे हमें थोड़ा और आश्वासन ये है कि ये रिपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट को हम पूरी तरीके से कोर्ट में लेके जाएंगे, और हम इस रिपोर्ट को दिखा करके ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रिजनर्स हैं ये सिर्फ प्रिजनर्स नहीं है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, और इनको एक मुद्दे के साथ, एक उद्देश्य के साथ जेल में रखा गया है। पहले तो मैं फादर स्टैन स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। ये एक निधन नहीं होके ये सरकार और इंस्टीट्यूशन ने मिलके की हुई हत्या है, और इसके अगेंस्ट हमें बहुत बड़ा आवाज़ उठाना चाहिए। अभी आर्सेनल रिपोर्ट के बारे में जो कहा उसके बारे में बताऊंगी कि ये फैब्रिकेटेड केसेस है। उसमें ये 16 जनों को, अभी 15 बच्चे हैं, 16 जनों को अटक करके उनके फर्जी चार्जेस लगा के UAPA जैसा बहुत ही कड़क भयंकर कानून लगा के उनको अंदर किया। लेकिन इस कानून के अभी जब कोर्ट में चल रही है तब बहुत लोग कह रहे हैं कि ये फॉरेन एजेंसी ने इसकी जांच की है। मेरा तो ये कहना है कि अदर टेक्नोलॉजी, जब भारत के संरक्षण का बात आती है तब हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी अदर कंट्री से लेते आते हैं, तब उसमें फॉरेन का हैंड नहीं होता है। और जब ये सच्चाई है कि ये लोगों को फैब्रिकेटेड केस के अंदर गिरफ्तार किया है, उनको नक्सलाइट बोला गया है, एक्चुअली ये गरीब लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। जैसे फादर स्टैन जो 84 ईयर्स के थे, उन्होंने 30-40 साल दलित आदिवासी या भूमिहीनों के लिए काम किया था झारखंड में, लेकिन एक नक्सल का नाम देके इनको बदनाम करने का, ये मनुवादी लोगों का और शासनकर्ताओं का पिछले स्वातंत्र्य के साथ से यही चलता आ रहा है कि एक सत्ता एक लोगों के साथ ही रहनी चाहिए।
इसीलिए मेरा ये कहना है कि हम इसे पहले रास्ते पे उतरते थे तो आज हम फादर स्वामी को गमा नहीं सकते थे। अभी भी हमारे पास चांस है, हम रास्ते पे उतर के ये जो हमारे मानवतावादी एक्टिविस्ट जो जेल में हैं उनको रिहा करने के लिए हमें रास्ते की लड़ाई भी लड़नी है कोर्ट के लड़ाई के साथ। तो मेरा एक कहना है कि इसके आगे हम सब मिलजुल के जितने भी अपने ग्रुप से वो सब मिल के ये बचे हुए 15 लोगों को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। फादर स्टैन स्वामी का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर जो हुआ है उसका हम धिक्कार करते हैं और इस केंद्रीय सरकार का भी हम धिक्कार करते हैं कि एक संत जैसे आम लोगों के लिए और आदिवासियों के लिए लड़ने वाले फादर स्टैन उससे इतने डर गए कि उन्होंने उनको परेशान करके उनकी हत्या की गई है। तो केंद्रीय सरकार यही सोचती है कि उस हत्या से लोग और हम लोग डर जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि इस हत्या के दरमियान हजारों स्टैन स्वामी पूरे देश में उभर गए हैं और इसका प्रतीक है कल के जो प्रोग्राम हुआ बांद्रा में, आज का जो प्रोग्राम है जहाँ पे हमारे सब साथी उपस्थित है और जो फादर स्टैन सोशल जस्टिस के लिए और मानव अधिकार के लिए खास करके आदिवासियों के लिए जो लड़े थे, मैं मानता हूँ कि ये जो मुहिम है ये और बढ़ती रहेगी और इस सरकार के विरुद्ध जगह जगह पर इसके विरुद्ध संघर्ष होगा। दूसरी बात है कि हमारी मांग है कि जो बाकी भीमा कोरेगांव कर केस में फंसाए गए हैं, हमारा सबका डिमांड है कि उन्हें बलि के बाइज्जत बलि करें और जो षड्यंत्र NIA ने रचाया गया है वो जो कौन पुलिस वालों ने फॉल्स इम्प्लीकेशंस इम्प्लांट किए गए उनके विरुद्ध कानूनी प्रोसिक्यूशन होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। केस भीमा कोरेगांव केस में किस तरीके से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, बहुत ही फ्लिमजी एविडेंस के बेसिस पे उन्हें 3 साल तक जेल में बंद रखा जा रहा है, कोई ट्रायल शुरू होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। पहले भीमा कोरेगांव 9 थे, फिर पैंडेमिक के बीच में और लोग गिरफ्तार हो गए, भीमा कोरेगांव 16 हो गए और फिर अभी भीमा कोरेगांव आज ऐसा स्थिति हो चुका है कि भीमा कोरेगांव 15 है। पिछले साल एज अ फैमिली मेम्बर बहुत ही मुश्किल समय था, जिस तरीके से पहले वरवर राव जी का तबीयत बहुत ख़राब हुआ, उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो अपने डेथ बेड पे थे ऑलमोस्ट, फिर फादर स्टैन स्वामी गिरफ्तार हो गए उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रही, आनंद तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, हनी बाबू का जो हालत हुआ है अभी वो भी अभी अस्पताल में है, उनकी ऑलमोस्ट आईसाइट चली गई। तो हम 3 साल से देख रहे हैं और हम क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स हैं हम बहुत क्लोज क्वार्टर से देख रहे हैं किस तरीके से किस बर्बरता से ये पुलिस और NIA जो है जिस तरीके से काम कर रही है इस केस में। तो उसका एक बहुत ही सैड कंक्लूजन हुआ है ये परसों जो मौत हुई फादर स्टैन स्वामी की। और अभी मेरे ख्याल से ज़रूरी बहुत ज़रूरी होता है कि जो एक मूवमेंट खड़ा हो रहा है अराउंड हिज डेथ विच इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट, वी शुड नॉट लेट इट डाई डाउन, बिकॉज ये बहुत होता है कि एक दिन दो दिन बहुत चर्चा में चलती है ये सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर में चलेंगे, सोशल मीडिया पे चलेंगे और फिर भूल जाएंगे, बट ये हमें होने नहीं देना है क्योंकि फादर स्टैन स्वामी की डेथ को हम ऐसे ही न्याय हमें मिलनी चाहिए इस केस में। ही डिड नॉट डाई अ नेचुरल डेथ, इट वॉज एन इंस्टीट्यूशनल डेथ। आई कीप हियरिंग दिस अगेन एंड अगेन, राइट विंग मीडिया ये चला रही है कि वो 84 ईयर्स के थे वो मर गए नेचुरल कॉजेज से अस्पताल में मर गए, बट कौन सी सरकार एक 84 ईयर ओल्ड आदमी को उठाकर 9 महीने जेल में इस तरीके से बंद रखती है। हिज डेथ वॉज कॉज बाय द क्रूअल्टी ऑफ दिस स्टेट एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू एम्पलीफाई। He did not die of natural causes. He wanted to die in Jharkhand among his friends along with the people he worked with.
पर ये सरकार ने वो भी होने नहीं दिया। उनकी एक मांग थी कि उन्हें झारखंड वापस जाना था। वो बार बार कहते रहे कि मैं यहाँ मर जाऊँगा, मुझे झारखंड जाने दीजिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना है अपने आखिरी दिनों में, पर ये भी अलाउ नहीं हुआ और अंत में उनकी यहीं पर मौत हो गई। तो जो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हमें बोलना ही होगा, आवाज़ उठाते रहना होगा और इस मूवमेंट को ढलने नहीं देना है, आई थिंक। और अभी जो 15 जो उनके साथी है और अंदर, उनके लिए भी आवाज़ उठानी है क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है और ये लोग भी काफ़ी, इनकी उम्र काफ़ी है। दे के नॉट, दे आर अनवेल, मैनी ऑफ देम हैव कोमॉर्बिडिटीज। तो ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए कि BK15 से BK14 हो जाए। इट्स अ वेरी स्कैरी प्रोबेबिलिटी, पर ऐसा हो भी सकता है एंड वी रियली हैव टू फाइट सो दैट दिस डजंट हैपन। आई थिंक हम यहाँ चैत्य भूमि पे खड़े हैं तो बाबा साहेब जी ने एक बहुत सुंदर एक नारा दिया था अबाउट एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तो हमें शिक्षित होना है, जानकार होना है इस पूरे केस के बारे में। बहुत कुछ है मीडिया में फिलहाल, आसनल रिपोर्ट अगर हो गया तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, फिर एक साथ एकजुट होकर संगठित होना है। बिकॉज एक आवाज़ या एक परिवार का आवाज़ से सिर्फ ये नहीं हो कि कोई सुनने नहीं वाला। हम तो कई महीनों से हम रो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं इन लोगों के बारे में, बट अल्टीमेटली जब प्रेशर आता है ड्यू टू कलेक्टिव फोर्स, एक साथ जब लोग बोलते हैं फिर ही जाके सुनाई देता है। और एजिटेट करने का कि संघर्ष हमें लड़ना होगा फादर स्टैंड के लिए, बाकी 15 लोग के लिए और हमारे देश के लिए जो फिलहाल एक बहुत ही खराब स्थिति में है। बऱ्याच लोकांनी सांगितलं की हे जे आंदोलन आहे, आंदोलनाला पुढे घेऊन जावं लागेल। आपण जर आता शांत बसलो तर होऊ शकतं की फादर सेंट स्वामीची जशी हत्या झाली तशी बाकीचे जे आपले कैदी आहेत त्या कैद्यांची हत्या होऊ शकते, आणि आपलं मौन, आपली शांतता ह्या येणाऱ्या जर हत्या झाल्या तर हत्येला आपण सर्वस्व जबाबदार असू। आणि म्हणून कालही आमचं बोलणं झालं होतं की आपण CNA NRCवर जे आंदोलनाची भूमिका घेतली होती त्यानंतर कोरोनाच्या काळामध्ये आपण शांत झालो होतो आणि म्हणूनच कदाचित या सरकारचं पाऊल असेल। आणि आपण आज आपल्यातला एक साथी फादर स्टेन स्वामी यांना गमावलेला आहे आणि बाकीचे जे अजूनही कैदी आहेत त्यांना रिहा करायचं असेल की किंबहुना त्यांची फादर स्टेन स्वामीसाठी जर हत्या घडून असं आणायची असेल तर इथल्या विवेकवादी समाजानं, इथल्या तरुणांनं, इथल्या विद्यार्थ्यांनं आता कशाची पर्वा न करता आपण रस्त्यावर येण्याची हीच तिखरी वेळ आहे। या देशातील विवेकवादी समाजानं आता स्वतःला विचारची वेळ आलेली आहे की आपण कुणाच्या बरोबर आहोत, आपण संविधानाच्या बरोबर आहोत की आपण मनुच्या बरोबर आहोत, आपण इथल्या भारतीय लोकशाहीला मानतो की आपण इथल्या हुकुमशाहीला मानतो। आपण तर ठरवावं लागेल की इथल्या समाजवादी व्यवस्था आपल्याला प्रिय आहे की इथली धर्मांध शक्तीला आपण शरण जाणार आहोत, आणि जर का इथल्या धर्मांध शक्तीला आपण शरण गेलो, जर का इथल्या मनूला आपण शरण गेलो तर येणाऱ्या पिढ्यांना आपण उत्तर द्यायला लायक नसणार आहोत। आणि म्हणून जर का हा विवेकाचा आवाज बुलंद करायचा असेल तर आपल्या सगळ्यांना येणाऱ्या काळामध्ये याप्रमाणे लढावं लागेल। खऱ्या अर्थानं भीमा कोरेगाव प्रेरणा अभियानामधले आम्ही सर्व साथीदार आहोत, हा प्रवास आम्ही पाहिलेला आहे। ज्यावेळेला शनिवारवाड्यावर BJP च्या विरोधामध्ये जी शपथ घेतली होती त्या शपथेनंतर खऱ्या अर्थानं इथला नरेंद्र मोदी हुकुमशाह खळबळीन जागा झाला होता। त्यांना माहिती होतं की हा विचारवंतांचा जो विद्रोह आहे हा विद्रोहच खऱ्या अर्थाने या सत्तेला हादरे देऊ शकतो। आज जे गल्लीबोळामध्ये ओरडत आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये या सरकारला कुठलीही फिकीर नाही आहे, किंबहुना त्यांच्या विधानानिकं त्यांच्या या आक्रोशानं त्या मतांचा ध्रुवीकरण करू शकतात। ज्याप्रमाणे आत्ता संजय गायकवाडचा जो आमदार आला आहे त्याचे जे एक वक्तव्य आहे त्या वक्तव्यानं त्याच्या विरोधात आणि समर्थनाच्या दोन प्रकारे विभागणी होऊ शकते आणि त्यातून त्यांना मतांचं ध्रुवीकरण होऊ शकतं। परंतु यांच्या सत्तेला हादरे देणारे कोण असतील तर ते स्टेन स्वामीसारखे फादर असतील। त्यांच्या सत्तेला हादरे देणारे कोण असेल तो आमचा सुधीर ढवळे असेल, आणि सुधीर ढवळे असतील किंवा बाकीचे असतील वरवर राव या सर्वांना आतमध्ये ठेवण्याचं एकमेव कारण आहे की या व्यवस्थेमध्ये पुन्हा एकदा सुधीर ढवळे निर्माण होऊ नये, या व्यवस्थेमध्ये पुन्हा एकदा भारद्वाज निर्माण होऊ नये, या व्यवस्थेमध्ये पुन्हा एकदा फादर स्टेन स्वामी निर्माण होऊ नये। आणि म्हणूनच यांना अत्यंत क्रूरपणे कुठल्याही कारण नसताना, आता बऱ्याच सारे लोकांनी कायदेशीर सांगितल्या की त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये ते काही पुरावे यांनी इम्प्लांट केले होते, कुठलेही पुरावे नसताना या लोकांना त्यांनी जेलमध्ये टाकलं आहे। आणि म्हणून आता आपल्याला सरळ ठरवायचं आहे की पुढच्या काळामध्ये आपल्याला पुन्हा एकदा फादर स्टेन स्वामीसारखा एखादा एकटेच हवा की नको आहे, पुढच्या काळामध्ये आपल्याला सुद्धा भारद्वाजसारखा एखादा व्यक्ती हवा आहे की नको आहे, या पुढच्या काळामध्ये आपल्याला जर का सुधीर ढवळेसारखा एखादा ॲक्टिव्हिस्ट हवा असेल तर त्यांच्यासाठी आपल्याला आज लढावं लागेल। ही सर्व समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे आणि ही जबाबदारी घेऊन आज आम्ही कालच कॉल दिला होता आणि तरीही बहुसंख्येने लोकं आलीत, विचारवंत आलीत, त्याबद्दल त्यांचे मी आभारी व्यक्त करतो। परंतु ही लढाई जर पुढे घेऊन जायची असेल तर ही लढाई कुठल्या एका संघटनेची नाही आहे किंवा ही जॅकची नाही आहे, ही लढाई माझी आहे, मी या भारताचा नागरिक आहे,
या भारताचं संविधान हे माझं आहे आणि त्यासाठी मी रस्त्यावर उतरून लढलं पाहिजे ही प्रतिज्ञाच करून आज मला असं वाटतं आपण कार्यक्रमाची अंत करू आणि मी पुन्हा सांगतो मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 इन्कलाब मोदी सरकार मुर्दाबाद जय भीम साथियों। 20 डेज का प्रोविजन था लोगों को अरेस्ट करने का, उसको चिदंबरम ने 180 डेज कर दिया। तो 180 डेज जब उनसे पूछा गया कि आप आखिर चाहते क्या है, तो उसने अपनी जबान से ये बात कही ऑन रिकॉर्ड है कि हम चाहते हैं कि लोगों को जमानत नहीं मिले। तो ये कानून इसीलिए बनाया गया है ताकि किसी भी बेकसूर को पकड़े और अगर उसको अदालत जमानत देना चाहती है तो उसको जमानत डिनाई करे। जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया मैक्सिमम 45 डेज यूके में है, कनाडा में एक दिन के अंदर अगर आप उसकी एफआईआर नहीं डालते हो तो आपको जो है वो उसको छोड़ना पड़ता है। यूएस 2 दिन, रशिया 5 दिन और हमारे यहाँ 180 दिन आप किसी आदमी को बगैर चार्जशीट डाले जो है वो जेल में रखेंगे। ये दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। मैं फादर के बारे में आपको बताऊं कि जिस वक्त ये केस बना भीमा कोरेगांव का, उस वक्त उनका नाम उसमें नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि भीमा कोरेगांव के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। भीमा कोरेगांव के बाद वायलेंस हुआ और वायलेंस के बाद जो पहली एफआईआर लिखी गई उसमें संभाजी भिड़े का नाम था, उसके अंदर मिलिंद एकबोटे का नाम था। लेकिन संभाजी भिड़े तो हमारे प्रधानमंत्री के गुरु हैं तो इसलिए उनको तो छोड़ दिया, एकबोटे को छोड़ दिया और जो बेकसूर थे जिनका कोई ताल्लुक नहीं था उनको जो है वो उसमें फंसाया गया। तो मैं 2 डिमांड करता हूँ, एक तो ये कि ये जो बेकसूर लोग हैं इन सबको छोड़ा जाए और वो लोग जिन्होंने के वहाँ रायट किया था, फसाद किया था, भीड़े और एकबोटे, उनको जो है वो जेल में डाला जाए। इसलिए कि जब तक कि ये फसादियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक के ये जो है वो फसाद रुकेगा। मनोहर भिड़ेला अटक जालित पाहिजे, जालित पाहिजे, जालित पाहिजे, मनोहर भिड़ेला अटक जालित पाहिजे, जालित पाहिजे, जालित पाहिजे, भिड़ेला अटक जालित पाहिजे, जालित पाहिजे, जालित पाहिजे। अब दोस्तों यूएपीए के बारे में एक दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको। यूएपीए का जो कानून बनाया गया कि भाई कोई आदमी अगर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में है तो उसको आप जो है वो पकड़ के 6 महीने के लिए डाल दो और 6 महीने भी 3 महीना एक्सटेंशन मांग लो। लेकिन ये कानून में संशोधन हुआ है और ये संशोधन मोदी के आने से पहले हुआ है 2012। वो संशोधन ये था कि वो आदमी का उसने अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया जिसके ऊपर सरकार को शक है कि वो कोई ऐसा काम कर रही है तो उसको भी फंसा देंगे। देखिए फादर जो है वो भीमा कोरेगांव नहीं आए थे लेकिन चूंकि वहाँ पे जो लोग हैं जो आदिवासी लोग हैं जिनके लिए वो लड़ रहे थे तो वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने जा कर के नेक्स्ट राइट से जोड़ा और फिर ये कहा कि ये उनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनकी मदद कर रही है। तो आप ये देखें कि 2012 में ये कानून को ऐसा फैलाया गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी को रिलेट करके उसको फंसाया जाए। ये बात हमको जानना ज़रूरी है अगर हम ये कानून को ख़त्म करना चाहते हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम सबको ये बात मालूम है कि फादर जो है वो त्रिची के रहने वाले थे। अब आप सोचिए कि त्रिचापल्ली किधर है और झारखंड किधर है, लेकिन उनके दिल में ये बात क्यों पैदा हुई कि वो झारखंड में जाएं और ट्राइबल्स के लिए काम करें। हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन अगर किसी का होता है तो ट्राइबल्स का होता है। वो लोग जंगल में रहते हैं, उनकी ज़मीन के नीचे खनिज पदार्थ है, तो ये जो हमारे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं ये उनको ज़मीन से निकाल के वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और उन लोगों को उजाड़ के फेंक देना चाहते हैं। कोई भी आदमी अपने घर से, उनका रोज़गार भी जंगल है, उनका रहना सहना भी जंगल है, तो ये लोग उनका घर भी छीन लेते हैं और ये लोग उनका रोज़गार भी छीन लेते हैं। तो जब किसी का घर अगर कोई मेरे को अपने घर से निकालेगा, कोई मेरी दुकान बंद कर देगा तो मैं उसके खिलाफ एजिटेशन करूँगा। लेकिन सरकार और ये कैपिटलिस्ट इनके बीच में गठजोड़ है, इसलिए कि ये लोग खनिज निकालेंगे, वो पैसा चंदा सरकार को देंगे, सरकार उससे इलेक्शन लड़ेगी। तो जो लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं ये लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं। फादर ने ये सोचा कि वो जो गरीब लोग वहाँ रहते हैं झारखंड में जिनको अपनी ज़मीन से निकाला जाता है, उनको कोई नहीं मदद करता, उनको जो है वो जेल में डाल दिया जाता है माओवादी बोल के, तो वो उनको बचाने के लिए गए। 3,000 लोग जो है आज भी जेल में हैं।
और फादर उनको छुड़ाने के लिए काम करते थे, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करते थे, उनके जो है वो हेल्थ के लिए काम करते थे। तो ये एक जिंदगी है कि जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी का 50 साल अपना घर द्वार छोड़ के ट्राइबल के लिए गुजारा। और दूसरा जो है आपने सुना होगा सारंगी का नाम, जो कि आज मंत्री बना हुआ है, उसने ट्राइबल्स को सिर्फ एक्सप्लॉइट किया, सिर्फ उनका भावनात्मक शोषण किया और आज वो सेंटर में मंत्री है। और जो आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्राइबल्स के लिए त्याग दिया, आज जो है वो बेचारा जेल में और जेल के बाद अस्पताल में उसकी मौत होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है और ये जो कुछ आज उनके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ और आपके साथ भी हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है उनको याद करें, उनसे इंस्पिरेशन लें, उनसे मोटिवेशन लें और आगे बढ़ें और उस वक्त तक न रुकें जब तक कि ये UPA जैसा कोई कानून ख़त्म ना हो और इसकी तरह कोई नया कानून बने नहीं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ और फादर के लिए दुआ करता हूँ। स्टेन स्वामी के संस्थागत जो हत्या कर दी गई है केंद्र सरकार और NI के द्वारा, उस हत्या को लेकर पूरे देश भर में सभी जो इंसानियत जिनमें भी बची है वो सभी इंसाफ पसंद लोगों के दिल में आग है, एक गुस्सा है, NI के खिलाफ है, पुणे पुलिस के खिलाफ है, BJP सरकार के खिलाफ है और यह गुस्सा इसी तरीके से सुलगता हुआ रहना चाहिए, ऐसा मैं सभी से अपील करता हूँ। दोस्तों आज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोरोना के दौर में आज BJP सरकार ने जैसे लोगों की हत्या कर दी गई है और लोग भी ऐसे इतने संवेदनशील हो गए कि अपने घर के लोगों की डेड बॉडी उठाने के लिए तैयार है, यानी कि जिंदा जो मर गए लोग है वैसे लाशों को उठाने के लिए तैयार है लेकिन आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में दोस्तों हम ऐसी बात के लिए आवाज़ उठाने की उम्मीद कर रहे हैं जो मानवाधिकारों को लेकर इंसानियत को लेकर संघर्ष करने वाले हमारे साथी हैं, जो 16 साथी भीमा कोरेगांव के केस में अरेस्ट किए गए। आप सभी लोगों को पता है कि जब सबसे शुरुआती दौर में रोना विल्सन के आर्सेनल जो कंसल्टेंसी है, इन्होंने जब फर्जी जो पूरा मामला सामने लाया था, उसके बाद में हम लोगों को और ज़्यादा तसल्ली हुई कि NIA केंद्र सरकार के कहने पर संगठित तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम करके हमारे 16 साथियों को अरेस्ट किया है और इनको ठंडी मौत देने का काम कर रही है। दोस्तों ऐसे में हम लोगों को खुलकर बोलना चाहिए कि स्टेन स्वामी की हत्या किसने की, स्टेन स्वामी की हत्या BJP सरकार ने की, स्टेन स्वामी की हत्या NIA ने की है और स्टेन स्वामी की हत्या इस फर्जी केस में शुरुआती दौर में फंसाने वाले पुणे पुलिस ने की है और ये लोग हत्यारे हैं, हमें इनको खुलकर बोलना चाहिए। दोस्तों आज ऐसे समय में हम लोगों को ये बात याद करनी चाहिए कि एक के बाद कैसे UPI का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आज सिर्फ भीमा कोरेगांव के मसले में सबसे स्ट्रांग चार्जेस के रूप में कोई आग लगाया है तो वो है NIA। NIA दोस्तों ये 1976 में कांग्रेस के समय में आया हुआ कानून है और ये तभी सिर्फ नाम बदल के आया है, लेकिन हालांकि ये ब्रिटिशों के समय में भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया था और वही कानून को आज सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो है, जो दबे हुए पिछड़े हुए मेहनतकश और मजदूर वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, उनको दबाने के लिए और उनको ठंडी मौत सुलाने के लिए इसका इस खुले तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यह हमने भीमा कोरेगांव के मसले में देखा है, यह हमने बशीर बाबा जो अभी कश्मीर के एक बेगुनाह थे उनके मामले में देखा है और कई सारे बेगुनाह मुस्लिम युवा साथी भाइयों के बारे में देखा है और कई सारे बेगुनाह लोगों के बारे में देखा है। और दिल्ली दंगे में जिस तरीके के फर्जी तरीके से फंसाया गया है उसके मामले में देखा है और एक एक करके ये 5 साल बाद 10 साल बाद 15 साल बाद ये बाहर आ रहे हैं, लेकिन ये जवाब किससे मांगेंगे? क्या सरकार इसके मामले में माफ़ी मांगने के लिए तैयार है? दोस्तों नहीं मांग रही है। इसलिए हम लोगों की इस समय में पहले समय में मांग थी कि जो भी भीमा कोरेगांव के मसले में राजनीतिक कैदियों को अरेस्ट किया गया है उनको तुरंत के तुरंत जमानत दे दी जाए क्योंकि कोरोना का पीरियड शुरू है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में आगे बात बढ़ी और हमने कहा कि ये जो है ये निर्दोष लोग है इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन दोस्तों आज मैं सिर्फ जमानत और छोड़ देने के मामले तक नहीं रुकूंगा, मैं ये कहूंगा सबसे पहले केंद्र सरकार खुले तौर पर हाथ जोड़ के माफी मांगे इन लोगों से और सभी इंसाफ पसंद लोगों से जो इनके साथ में फर्जीवाड़ा किया गया है और इनको अरेस्ट किया गया है। अमित शाह रिजाइन करो, अमित शाह रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। दूसरी बात है दोस्तों, इस आंदोलन की दूसरी मांग होनी चाहिए
कि यूएपीए ये काला कानून जो भारत के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए इनको जेल में ठूसने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, उस कानून को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरी तरीके से खारिज करे, और ये नहीं करेंगी तो हम जन आंदोलन को इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे और ये काले कानून को रद्द करेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि यूएपीए को रद्द किया जाना चाहिए, वो भी बिना शर्त रद्द किया जाना चाहिए।